अवैध रूप से खनन रोकने गए डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। जी हां, उनकी मौत हो चुकी है। मौके पर घटना नुहू जिले के तावड़ू थाना क्षेत्र के गांव पचगांव की बताई जा रही है। गांव से सटी जो अरावली पहाड़ियों पर अवैध खनन है उसको रोकने की जो है निकले थे डीएसपी, उनकी सूचना उनको प्राप्त हुई थी और साथ साथ तभी बताया जा रहा है कि जब वहां पर वो पहुंचते हैं जिसके बाद वहां जो खनन में लगे हुए लोग थे उनमें भगदड़ मचती है, वो भागने लगते हैं। जो डंपर चालक था वो डंपर को जब रोकने के लिए डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई आगे बढ़ते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं तो वो डंपर चालक डंपर उनके ऊपर चढ़ा देता है जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। मौके पर ही मृत जो है वो पाए गए हैं। वाहन को रोकने के लिए डीएसपी बताया जा रहा है कि आगे आए तो डंपर चालक ने उनके ऊपर वाहन चढ़ा दिया और वो भाग गया टायर के नीचे आने से। डीएसपी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी नू वरुण सिंगला वहां पर पहुंचे, आला अधिकारी पहुंचे हैं। डीएसपी मूल रूप से बता दें हिसार के रहने वाले थे, डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई हिसार के रहने वाले थे। अवैध रूप से खनन की जो है खबरें अरावली पहाड़ियों पर लगातार मिलती हैं, वहां पर जो है खनन माफिया का राज है। जी हां, खनन माफिया और इसी की सूचना अवैध रूप से जो खनन हो रहा था उसकी सूचना डीएसपी को मिली थी। वो वहां पर पहुंचे थे आज सुबह 11 बजे बताया जा रहा है कि वो वहां पहुंचे थे जिसके बाद डंपर चालक ने उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया और उनकी मृत्यु हो गई। एक बार फिर से बता दें गांव से सटी जो अरावली पहाड़ियां हैं उन पर अवैध खनन हो रहा था और घटना गुरुग्राम से सटे नुहू जिले के तावड़ू थाना क्षेत्र के गांव पचगांव की है। जी हां, तो वहीं पर डीएसपी अब मृत जरूर पाए गए और कहीं ना कहीं ये बड़ा जो है बड़ी खबर हरियाणा के लिए निकलकर सामने आएगी कि किस तरह से खनन माफिया इतना ज्यादा खतरनाक हो गया कि अब अधिकारियों की जान भी जाने लगी है, क्योंकि पहले भी अरावली पहाड़ी पर इस तरह की खनन की खबरें लगातार जो है वो मिलती थी। कहीं ना कहीं अब जो है एक अधिकारी की जान चली गई है। सूचना जो है डीएसपी तावड़ू को मिली थी, सुबह 11 बजे अपनी टीम के साथ वो वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों ने वहां पर जो खनन कर रहे लोग थे वो भागने लगते हैं और उसके बाद एक डंपर चालक भागने लगता है जिसके आगे आकर जो है उस वाहन को रोकने की कोशिश डीएसपी ने की थी, लेकिन उस डंपर चालक ने डंपर जो है वो डीएसपी पर चढ़ा दिया, डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई पर चढ़ा दिया जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। मौके पर ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से वो मृत पाए गए, उनका शव वहां पर पड़ा हुआ और कहीं ना कहीं बड़ी ही दुखद घटना सामने आएगी। खनन माफिया इतना ज्यादा खतरनाक हो गया कि अब लोगों की किस तरह से जाने जा रही हैं। घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर है और काफी पुलिस बल जो है वहां पर बुलाया गया और कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर हरियाणा के लिए कि हरियाणा में किस तरह से खनन माफिया पैर पसारता जा रहा है और वहां पर लगातार खनन की घटनाएं होती थी उसके बाद अब एक डीएसपी की जान चली गई। एक तरह से इसको हत्या कहा जा सकता है कि किस तरह से उनके ऊपर डंपर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई। जी हां, ये बड़ी खबर हरियाणा के नूह जिले के तावड़ू थाना क्षेत्र के गांव पचगांव की है और वहीं पर अरावली पहाड़ियां हैं जिसपे लगातार खनन की खबरें सामने आती रहती हैं।